आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 2,757 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से रिकॉर्ड 37 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,179, हरिद्वार में 617, उधमसिंह नगर में 265, नैनीताल में 248, पौड़ी में 155, रुद्रप्रयाग में 79, अल्मोड़ा में 51, टिहरी में 50, चंपावत में 44, चमोली में 28, बागेश्वर में 15, उत्तरकाशी में 14 संक्रमित मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक 1,856 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू, 24 घंटे में सर्वाधिक 37 लोगों की मौत। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा, जबकि अन्य जिलों में रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा। अभी यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक के लिए ही की गई है। दूसरी ओर शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक 37 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2,757 नए मामले सामने आए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से नए दिशा निर्देश से संबंधित आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक शनिवार से ही पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे का रात्रि कर्फ्यू रहेगा। अभी तक इसका समय रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ही था। वहीं साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन जरूरत की चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि नगर निगम क्षेत्र में शनिवार के साप्ताहिक बंदी में आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय और संस्थान खुले रहने की छूट दी गई है। अधिकतम छूट 200 लोगों को ही। तो 15 अप्रैल से जारी आदेश में विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम सीमा 200 तय की गई थी। शनिवार को जारी आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये पूरी तरह से बंद। तो प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल, स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रदेश में 30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम आदि 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। अधिकतर अखाड़े प्रतीकात्मक कुंभ पर सहमत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अखाड़े कुंभ को प्रतीकात्मक संपन्न कराने पर सहमत हो गए हैं। दून में आज कोविड कर्फ्यू रहेगा। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से लागू करने का फैसला किया है। राज्य में हर रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू होगा। देहरादून नगर क्षेत्र में शनिवार रविवार को कोविड कर्फ्यू रहेगा। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बाहर न घूमें। तो सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक बाहर नहीं घूमने की सलाह दी है। सल्ट में 43.17% हुआ मतदान। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में शनिवार को 43.17% मतदान हुआ। कुल वोटिंग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट 13.13% अधिक रहा। डीएफओ कर सकते हैं अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती अब फिर पहले की तरह डीएफओ स्तर से हो सकती है। समीक्षा बैठक के बाद वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक से यह प्रस्ताव मांगा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के एक और बड़े फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर 2017 में किया गया था। त्रिवेंद्र सरकार ने भर्ती की जिम्मेदारी अधीन सेवा चयन आयोग को दे दी थी। वन विभाग का तर्क है कि आयोग से होने वाली भर्ती में काफ़ी लंबा समय लग रहा है, ऐसे में अब फिर भर्ती प्रक्रिया पूर्व की भांति डीएफओ और पार्क निदेशकों के स्तर पर कराने की योजना बन रही है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान वन मंत्री और विभाग के उच्च अफसरों के बीच यह सहमति बनी है कि डीएफओ स्तर से भर्ती सभी डिवीजन में कराई जाए। वन मंत्री ने विभागीय मुखिया राजीव भर्तरी को यह प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। दून आईआईपी ने खोजी ऑक्सीजन बनाने की नई तकनीक। तो देहरादून आईआईपी के वैज्ञानिकों ने हवा से सस्ती ऑक्सीजन तैयार करने की नई तकनीक ईजाद की है। इससे कम खर्च पर छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन हो सकेगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण के संकट से घिरे देश के लिए आईआईपी की यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है।
कर्फ्यू जिला प्रशासन ने एनडीए परीक्षा के लिए दी छूट, तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज देहरादून के 37 केंद्रों पर एनडीए और एनए की परीक्षा आयोजित जा रही है। कोविड कर्फ्यू को देखते हुए देहरादून जिले के डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 से 4:30 बजे के बीच होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के साथ ही परीक्षा ड्यूटी में लगे स्टाफ को भी निजी और सार्वजनिक वाहन से परीक्षा केंद्र और घर जाने की छूट कोविड कर्फ्यू के दौरान दी है। बाकी इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं हुई स्थगित। तो देश में फैल रहे कोरोना के बाद सरकार ने कई रात्रि कर्फ्यू से लेकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सहित अन्य कार्य स्थगित कर दिए हैं, किंतु गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन को कोविड का कोई डर नहीं है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में 700 से अधिक छात्र छात्राएं एक पाली में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। यदि ऐसे में कोई संक्रमित छात्र पहुँचता है तो कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विश्वविद्यालय सैनिटाइज की बात कर रहा है, किंतु कोरोना जैसी महामारी में परीक्षाएं कराना छात्रों के जीवन को संकट में डालने जैसा है। कोविड को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाएं स्थगित नहीं की, जिससे छात्र छात्राएं संशय में हैं। वहीं शनिवार को गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने एलएलबी की परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। प्रदेश में एक बार फिर हो सकते हैं स्कूल बंद। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से राज्य के सभी स्कूल एक बार फिर बंद हो सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक पूर्व में सभी स्कूलों को बंद किए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन कैबिनेट बैठक में केवल देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्रों के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद किए जाने का निर्णय लिया। सभी स्कूलों को बंद किए जाने के मसले पर कैबिनेट स्तर से ही निर्णय लिया जा सकता है। निरस्त स्थगित हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा निरस्त और 12वीं की परीक्षा स्थगित किए जा सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक इस संबंध में मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से CBSE, ICSE और कई राज्यों की परीक्षाएं स्थगित होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित हो सकती हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक CBSE की तर्ज पर इन परीक्षाओं को निरस्त एवं स्थगित करने की सिफारिश की गई है। इसमें 10वीं के बच्चों को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर पास माना जाएगा, जबकि 12वीं के छात्रों की परीक्षा के लिए स्थिति कुछ सामान्य होने के बाद अलग से परीक्षा की तिथि दी जाएगी। चुनावी साल में नौकरियां फिर फंसी, तो 25 अप्रैल को प्रस्तावित LT भर्ती परीक्षा भी स्थगित हुई बीते रोज। तो चुनावी साल में सरकारी नौकरी की आस पाले बेरोजगारों के फिर झटका लगा है। कोरोना की दूसरी लहर को देखकर आयोग ने फिलहाल LT परीक्षा स्थगित कर दी। इसके साथ ही मई और जून में प्रस्तावित स्नातक एवं इंटर स्तर, वन दरोगा, सचिवालय सुरक्षा और सहायक लेखागार परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना के कारण 25 अप्रैल को प्रस्तावित LT भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस परीक्षा में सबसे कम 51,000 आवेदक शामिल होने थे। सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने और 2 पालियों में प्रस्तावित होने की वजह से कोरोना काल के लिए यह परीक्षा सबसे आसान समझी जा रही थी। क्योंकि शासन ने यह भर्ती टाल दी है, तो आने वाली परीक्षाओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कारण, इन परीक्षाओं में एक तो आवेदकों की संख्या LT के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, उस पर परीक्षा केंद्र भी कुछ जिलों में संभव हो पा रहे हैं। राज्य में मानसून सीजन में बड़ी परीक्षा कराना संभव नहीं है, इस कारण सितंबर से पहले परीक्षाएं संभव नज़र नहीं आ रही हैं। आयोग सचिव संतोष बड़ौनी के मुताबिक फिलहाल मई और जून में प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथियाँ घोषित नहीं की गई थी, लिहाजा भर्तियाँ आगे खिसक सकती हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर तक ही जाएंगी। बेरोजगार मंच ने जताया विरोध। देवभूमि बेरोजगार मंच अध्यक्ष राम कंडवाल के मुताबिक उत्तराखंड में पहले ही भर्ती परीक्षाएं कई कई साल अटकी रहती हैं। अब कोविड की आड़ में परीक्षाएं टाली जा रही हैं, इससे भर्तियों का बैकलॉग और बढ़ जाएगा। सरकार चुनाव और कुंभ में लाखों लोगों को जुटने तो दे रही है, लेकिन परीक्षा टालने के लिए बहाने बना रही है। जबकि अभी तो केंद्र सरकार ने भी SSC की परीक्षाएं स्थगित नहीं की हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द परीक्षा संपन्न करवाकर परिणाम जारी करे, ताकि योग्य युवाओं को रोजगार मिल सके।
तो एलटी भर्ती परीक्षा के जो पद हैं वो 1432 है, जिसमें 51,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि कनिष्ठ सहायक में 748 पदों पर 119,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि स्नातक स्तर में 854 पदों पर 220,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं वन दरोगा के 316 पदों पर 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उपनल कर्मचारी नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म। तो उपनल के जरिए कार्यरत कर्मचारियों को अब नहीं हटाया जाएगा, भले ही विभाग में पद हो या नहीं। इन कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार मुख्य सचिव कमेटी भंग करके कैबिनेट की नई सब कमेटी बनाएगी। चार धाम आने वाले यात्रियों के लिए 3 टेस्ट जरूरी। तो चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को 3 टेस्ट करवाकर उत्तराखंड आना होगा। रेमडेसिविर की भारी किल्लत, केंद्र से मदद। तो उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत के चलते राज्य सरकार ने केंद्र से 60,000 इंजेक्शन की मांग की है। वहीं एलटी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो ग्राम राज्य जूनियर हाई स्कूल भिक्कमपुर जीतपुर लक्सर में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें एक पद गणित, एक अंग्रेजी, एक विज्ञान और एक हिंदी का है। तो इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। ज्वालापुर कोतवाल लाइन हाजिर, दोनों सिपाही सस्पेंड। तो एसटीएफ की कार्रवाई के बाद एसएसपी हरिद्वार ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी को लाइन हाजिर कर दिया। उनकी जगह चंद्राकर नेथानी को नया कोतवाल बनाया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिसकर्मी रईस राजा और अमजद को सस्पेंड कर दिया गया। 6 छात्राओं सहित 14 संक्रमित। तो लक्सर से खबर आई है, गोवर्धन केजीबीवी हॉस्टल में 6 छात्राओं सहित 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कलियर से खबर आई है, अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने पर काटा हंगामा। तो घटना से नाराज लोगों ने धरना दिया। मैंगलोर से खबर आई है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला से मारपीट गंभीर। तो ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर आरोपियों ने वहीं पर काम करने वाली एक महिला के साथ मारपीट कर दी। हथियारों के साथ घर में घुसकर मारपीट। तो रुड़की से खबर आई है, पुलिस की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अल्मोड़ा को मिली 20,000 डोज, आज पहुंचेगी। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर है, अल्मोड़ा को एक बार फिर कोरोना के 20,000 टीके की डोज मिलेगी। अल्मोड़ा में कोरोना के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। बिना मास्क अब न सामान न वाहन में सीट। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के SDM ने बैठक ली। वही खबर है, अल्मोड़ा से HM का छात्र स्मैक संग गिरफ्तार हुआ है। IPL के बीच रेस्टोरेंट संचालकों को करोड़ों की चपत। तो नाइट कर्फ्यू लागू होने से होटल बार और रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं लोग। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने उतरे अफसर। तो नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस रात भर सतर्क रही, जगह जगह मुनादी कराई गई। पुलिस ने सभी से गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। वारंटी कोरोना पॉजिटिव निकला। तो पथरी क्षेत्र में पकड़ा गया वारंटी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दबिश में गई टीम में शामिल दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं खबर है, रुड़की से इलाज में आया मरीज पॉजिटिव मिला। तो सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला है। निजी स्कूलों ने 10,000 बच्चों की पढ़ाई रोकी। तो जिले में निजी स्कूलों में फीस की वजह से करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, ऐसा दावा अभिभावकों के संगठनों ने किया है। इन बच्चों का या तो रिजल्ट रोका गया है, ऑनलाइन पढ़ाई बंद है, या फिर स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही है। इस तरह की तमाम शिकायतें शिक्षा विभाग, बाल आयोग और अभिभावक संगठन के पास हैं। हैरानी की बात यह है कि एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दुखद, पहले माँ की मौत फिर बेटा भी चल बसा। तो कोरोना ने हर किसी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लगातार पीड़ादायक दास्तां सामने आ रही है। दून में एक परिवार से 24 घंटे के भीतर 2 सदस्यों को कुदरत के कहर ने छीन लिया। शुक्रवार को 58 साल की माँ की मौत हुई, तो शनिवार को उनका 36 साल का बेटा भी चल बसा। दोनों कोरोना संक्रमित थे और दून अस्पताल में भर्ती थे।
कालसी चकराता में स्कूल बंद हों तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिले के कालसी और चकराता ब्लॉकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण सभी स्कूल बंद करने की मांग की है। दून में रात की बारिश, मौसम सुहाना तो लंबे इंतजार के बाद शनिवार देर शाम को दून और मसूरी में झमाझम बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई वहीं वनों की आग को भी काबू पाया गया। पहाड़ों में बारिश से ठंडी पड़ी जंगल की आग, तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में शनिवार को राहत की बारिश हुई। बारिश से जहां जंगलों की आग ठंडी पड़ी वहीं मौसम भी सुहाना हो गया, वातावरण की धुंध भी छट गई है। गढ़वाल में बारिश बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले, तो अचानक बदले मौसम के चलते बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ समेत चमोली जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर शनिवार को जमकर हिमपात हुआ। मोबाइल नंबर केवाईसी के नाम पर ठगने वाले धरे, तो एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने संयुक्त कार्रवाई कर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पचास प्रतिशत यात्री पर ही चलेंगी बसें, तो सार्वजनिक वाहन केवल 50% क्षमता के साथ चलाने की व्यवस्था लागू होने के साथ ही यात्रियों के लिए मुश्किलें भी शुरू हो गई हैं। निजी बस कैब वाले दुगना वसूल रहे किराया, तो निजी बस और मैक्सी कैब में सफ़र महंगा हो गया है। वही खबर आई है, देहरादून से नौकरी का झांसा देकर के 57,000 रुपये की ठगी की गई। दून में रिकॉर्ड 1,779 मरीज, 14 की मौत हो गई। कोरोना छिपाने वाले स्कूल के खिलाफ मुकदमे के निर्देश, तो जिले में कई आवासीय सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले छुपाए जा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी व पुलिस को ऐसे विद्यालयों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला सैन्य पुलिस की परीक्षा स्थगित, तो इसी साल जनवरी में हुई सैनिक जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली की 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगस्त मुनि में क्रेन ने वाहन को ठोका, तो शनिवार सुबह अगस्त मुनि के विजय नगर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब एक भारी भरकम अनियंत्रित हाइड्रक क्रेन ने सड़क पर चल रहे दो कार, एक अन्य वाहन सहित कुछ मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर सड़क के दोनों ओर फेंक दिया। उत्तरकाशी में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद, तो देश भर में तेजी से फैल रही वैश्विक महामारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन उत्तरकाशी ने पूरी तरह सख्ती शुरू कर दी है। जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भागीरथी नदी में खरसाड़ा में दो युवकों के डूबने से मौत, तो देवप्रयाग से खबर है। देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसाड़ा गांव में दो युवकों की हरियाली पूजन के दौरान कोटेश्वर में भागीरथी में डूबने से मौत हो गई। देवाल से खबर है, ये जंगल की आग में जले 4 मकान, लोगों को भागकर बचानी पड़ी जान, तो मेला चैक बस्ती में 2 गौशाला जलने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। प्रदेश में बर्फबारी, बर्फ से गिरा पारा, तो शनिवार को दिन भर मौसम खराब रहा। कुंभ से अखाड़ों ने खींचे हाथ, खाली होने लगे घाट, तो जूना और 3 सहयोगी अखाड़ों ने किया कुंभ विसर्जन, 30 अप्रैल तक सांकेतिक आयोजन होगा। बात करते देहरादून की खबरों की, तो मसूरी में 18 नए संक्रमित मिले हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज सब कुछ बंद रहेगा। घंटों बाद भी नंबर नहीं आने पर भड़का युवक, तो दून अस्पताल में घंटों इंतजार के बाद भी कोरोना जांच के लिए नंबर न आने और नियम विरुद्ध महिला पुलिस अधिकारी के कोरोना जांच कराने पर युवक भड़क गया। 2 दिन लॉकडाउन सही, सख्ती से पालन जरूरी, तो राजधानी में शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन पर बोले शहरवासी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो टेक्निकल पदों पर योग्य उम्मीदवार करें आवेदन, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल क्षेत्र में टीचिंग पद के रिक्त, तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
कृषि शोध क्षेत्र में करें ऑनलाइन आवेदन, तो 287 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टर के पद खाली, तो इसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। दून में 250 कोविड मरीज भर्ती हैं। मसूरी में लॉकडाउन की तरह बने हालात, तो प्रदेश शहर में पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। मसूरी में वीकेंड पर भी सैलानी नहीं पहुंच रहे हैं। वही खबर है चमोली से, कोरोना से 3 लोगों की गई जान। तो चमोली व्यक्ति की गांव में ही मौत, महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। तो पोखरी ब्लॉक के कुमेड़ा गांव निवासी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की गांव में ही मौत हो गई। उसे खांसी, जुखाम और बुखार था। व्यक्ति की मौत से गाँव में दहशत है। उत्तरकाशी से खबर है, ये धनारी के 2 गांवों में बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो जिले में 1 माह में कोरोना के 75 एक्टिव केस हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो किशोर न्यायालय के जज सहित 743 लोग संक्रमित मिले हैं। बैरागी कैंप में 5 संत और अनुयायी संक्रमित, 260 संतों के सैंपल लिए गए। वही खबर है, हरिद्वार से 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, लोगों में दहशत है। निरंजनी आनंद अखाड़े की छावनियां खाली, तो जूना और उसके सहयोगी अखाड़ों के संतों की आज से होगी रवानगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो नहीं खुले शटर, बाजार बंदी पर दिखा असर। तो हल्द्वानी में सुबह से रात तक छाई रही सुनसान, दोपहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही भी बहुत कम देखी गई। नैनीताल के पर्यटन स्थलों की रौनक गायब, तो कोरोना से पसरने लगा नगर में सन्नाटा, पर्यटन कारोबारी चिंतित हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जंगल की आग की भेंट चढ़ा 2 भाइयों का सियाना। तो खबर रही है बागेश्वर कपकोट कुसानी से, जंगल की आग के शुक्रवार रात आबादी तक पहुंचने से कपकोट के सापुली खालीधार में 4 कमरों का मकान जल गया। कुमाऊं में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। दवा शराब को छोड़ चंपावत और लोहा घाट में आज पूर्ण बाजार बंदी रहेगा। शिक्षकों के समय पर नहीं आने से गुस्साए छात्र, तो भाजपुर से खबर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निर्धारित समय पर कुछ शिक्षकों के नहीं पहुंचने से आक्रोशित छात्रों ने हंगामा कर गेट पर सांकेतिक तालाबंदी की। वही खबर आइए, पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान गिरा, मनाली लेह मार्ग बंद हो गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो कोरोना के कारण पंत नगर विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वही खबर है, काशीपुर से जेई और लाइनमैन से मारपीट में 2 पर केस दर्ज किया गया। खबर है, गदरपुर से ट्रैक्टर की से टकराई पिकअप, युवक की मौत हो गई। तो नेशनल हाईवे में तेज रफ्तार पिकअप ने गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार युवक की मौत हो गई। वही खबर है, काशीपुर में दूसरे पति के साथ मिली लापता महिला, तो पुलिस ने 2 दिन लापता बालक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। खबर है, गदरपुर से बिजली लाइन की चपेट में आकर के महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रावत आज रुद्रपुर में, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को रुद्रपुर पहुंच रहे हैं।